नमस्ते मित्रों, अभी हाल ही में WC रमन साहब जो हमारे पूर्व क्रिकेटर है और हमारी महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कोच भी रह चुके हैं, उसने एक बयान दिया था और उसका इंटरव्यू मैंने देखा था। उसमें उसने कहा था कि ऋषभ पंत में ऐसी क्षमता है कि वो भारतीय क्रिकेट टीम को ऊंचाई तक ले जाए, यानी एक कैप्टन के तौर पर। मेरा भी यही मानना है कि ऋषभ पंत अभी यंग है, विकेट कीपर बैट्समैन है और फिटनेस भी उसका हाई लेवल पे है। अगर उसको मौका मिलता है तो वो लड़के में वो क्षमता हम सब क्रिकेट प्रेमियों को भी दिखाई दे रही है। और हम बचपन से सचिन जैसे खिलाड़ी को खेल खेलते देखते आ रहे हैं, द्रविड़ को, पुजारा को जो टेस्ट के बादशाह कहलाते हैं। और लास्ट टाइम हमने 2021 में इंग्लैंड के विरुद्ध तो ऋषभ पंत की पारी भी देखी थी, वो उसने शतक बना के रन चेस करके भारत को जीत दिलाई थी। उस जो इनिंग में आपने नोटिस किया हुआ कहीं ना कहीं उसमें आपको धोनी की झलक भी दिखाई दी होगी, तो मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी आगे जाके कैप्टन के तौर पे भी अच्छा काम कर सकता है, उसको एक चांस मिलना चाहिए। विराट ने भी अच्छा किया, रोहित भी अच्छा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ कमियाँ नज़र आ रही है जो धोनी के वक्त नज़र नहीं आ रही थी। भले ही हमारी भारतीय टीम हार रही होती है लेकिन हम धोनी को कभी कसूरवार नहीं ठहराते थे, क्योंकि हमें पक्का महसूस होता था कि ये खिलाड़ी लास्ट तक हार नहीं मानेगा। और ऋषभ पंत में वो जो एक स्टेमिना है वो उसमें दिखाई दे रहा है, वो क्या बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो ये खिलाड़ी में दिखाई दे। उसको अगर चांस BCCI देती है एज ए कैप्टन के तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का, तो मुझे लगता है ये बढ़िया और बड़ा निर्णय होगा ऋषभ पंत के लिए भी और हमारे देश के लिए भी और BCCI के लिए भी और एक क्रिकेट प्रेमी के तौर पे क्रिकेट दीवाने के लिए भी, क्योंकि वो खिलाड़ी में वो पूरी क्षमता है जो एज ए कैप्टन में होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है रमन साहब ने जो बोला वो उसने गलत नहीं, उसने भी सोच समझ कर ये बयान दिया होगा। धन्यवाद।